हालेलुया। बहुत समय पहले जब मैं मसीह में नया नया था तो उस समय मुझे शुरू से ही मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी और उनमें से बहुत सारी किताबें थी जो बायोग्राफीज, जो मिशनरियों की बायोग्राफी, वो मैंने पढ़ी। और जब उनके बारे में जब मैं सुनता था, जब मैं उनके बारे में पढ़ता था, तो मुझे एक बात हमेशा मेरे अंदर उठती थी कि लोग अपने घर, अपने परिवार, अपने देश, अपनी जगह को, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कैसे किसी दूसरी जगह पे जाकर वो सेवा करते हैं। हम विलियम कैरी के बारे में जानते हैं, वो कहाँ से आके बंगाल में उन्होंने सेवा की और वो यहीं पे रहे, यहीं जब वो यहाँ पर आए वो यहीं के हो गए और यहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें भी ली। उनके साथ में और भी उनके साथी थे, उन्होंने भी परमेश्वर की सेवा करते हुए अपनी जान को गंवा दिया। साधु सुंदर सिंह के बारे में हम देखते हैं, जब उनके बारे में मैंने पढ़ा तो उनकी इच्छा थी परमेश्वर की, परमेश्वर की खोज कर रहे थे। उन्होंने बोला, परमेश्वर अगर तू है तो मुझे दर्शन दीजिए। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने भी अपनी पूरा जीवन उन्होंने परमेश्वर की सेवा में बिता दिया। जॉर्ज मूलर है, जॉर्ज मूलर की कहानी आप सब जानते होंगे, उनकी कैसी लाइफ थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर की सेवा में बिता दी। जब इनकी बायोग्राफीज में जब पढ़ता था तो एक सवाल उठता था कि परमेश्वर कैसे ये लोग कर लेते हैं, क्या चीज़ है जो इनको ये करने के लिए उकसाती है। खैर उस टाइम पे इतना समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, परमेश्वर के वचन की गहराई में जब मैं जाने लगा, तब मुझे उस बात का जवाब मिल गया कि लोग कैसे ये इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि वो उस परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के वचन को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए अपने आप को वो तैयार करते हैं। परमेश्वर के वचन ने मुझे ये जवाब दिया। ऐसी ही व्यक्ति की एक कहानी, ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि उसके अंदर, वो एक अच्छी जगह पे था, उसके अंदर कैसे वो सेवा की भावना आई, कैसे उसने परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की लोगों की सेवा के लिए उसने वो कदम उठाया। आज हम नहेमिया के जीवन से सीखेंगे, नहेमिया की प्रार्थना और उसका सेवा कार्य से हम कुछ बातों को सीखेंगे। नहेमिया एक ऐसा व्यक्ति था जो एक राजा का अधिकारी था, नहेमिया फारस के राजा अर्थशत्र का अधिकारी था और वो एक पिलाने वाला था। उस टाइम पे जो राजा लोग होते थे तो अपने साथ में पिलाने वाला रखते थे, जो उसको जो भी पीने की चीज़ें जो होती थी वो उनको देता था, या एक बॉडीगार्ड के जैसे, जैसे आजकल भी बहुत से लोग ऐसे होते जो बॉडीगार्ड रखते हो, कुछ भी उनके पास आता है पहले वो चख के देखते फिर वो अपने उस तक पहुंचाते। एक जो नहेमिया भी था वो भी एक ऐसा ही व्यक्ति था। नहेमिया का जीवन जो है अच्छा जीवन है, वो राजा के साथ में हमेशा रहता है, राजा के सामने रहने वाला व्यक्ति है, उसका रहन सहन राजा के महल में होता है, उसके लिए अच्छी व्यवस्था है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, वो एक अच्छा जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि वह एक राजा के महल में एक अच्छे ओहदे पर है। जो उसका ओहदा है वो भी कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं है, वो एक अच्छे बड़े ओहदे पर काम करने वाला एक व्यक्ति है, एक राजा का अधिकारी जो नहेमिया है। वो उसके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दुनियावी, दुनिया की चीज़ों से बाहर है, यानी कि ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो अच्छी ऐसो आराम को पा रहा है, उस व्यक्ति के अंदर
परमेश्वर का काम कैसे होता है और उसके द्वारा परमेश्वर का काम कैसे होता है, आज हम उसके वचन से हम सीखेंगे। हम नहेमिया की किताब निकालेंगे, उसका अध्याय एक से हम एक से दो वचन हम पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि 20वें वर्ष के किसले महीने में मैं सूसन नाम राजधानी में था, तब हनानी जो मेरे भाइयों में से एक था तथा अन्य कुछ लोग यहूदा से आए और मैंने उनसे उन बचे और बंधुआई से छूटे हुए यहूदियों और यरूशलेम के विषय में पूछा। तब उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे महाक्लेश और निंदा सह रहे हैं। यरूशलेम की शहरपना टूटी पड़ी है और उसके नगर द्वार आग से जला दिए गए हैं। नहेमिया बता रहा है कि जब मैं वहां पर था, सूसन में जब मैं था वहाँ पर, तब हनानी जो मेरे भाइयों में से एक था मेरे पास आए और कुछ यहूदा से कुछ लोग थे। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा, जो लोग बंधुआई से लौटे हैं वो मेरे भाई अब कैसे हैं, उनकी हालात, उनकी परिस्थिति कैसी है। तब वो बताते हैं कि नहेमिया उनकी जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं है, वो निंदा को सह रहे हैं, वो दुख में है, वो कष्ट में है, जो यरूशलेम की शहरपना है वो टूटी हुई है और उनके नगर द्वार जो है वो आग से जला दिए गए हैं। यहाँ पर उन लोगों की बात नहेमिया कर रहा है जो लोग बंधुआई में ले जाए गए थे, जो 70 साल की बंधुआई के बाद में जो लोग लौटे थे, नबूकदनेस्सर के द्वारा उन लोगों को बंधुआई में ले जाया गया था और उनकी 70 साल के बाद में जब परमेश्वर ने उन्हीं में से एक राजा के द्वारा अगुवाई की कि आप लोग अपने अपने देश में जा सकते हैं, तो ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो 70 साल की बंधुआई के बाद में अपने देश में लौट रहे थे। जब राजा नबूकदनेस्सर ने इनको बंधुआई में लेके गया, उस वक्त यरूशलेम की सारी जो प्रॉपर्टी थी, जो सारे जितनी भी यरूशलेम की बड़ी बड़ी जगह थी, परमेश्वर का जो मंदिर था उनको तोड़ दिया था और मंदिर का जो सोना था, जो चांदी था, जितना भी मूल्यवान वस्तुएं थी, उन सारी चीज़ों को वो अपने साथ में अपने देश में ले गया था। बहुत से लोगों को उसने वहाँ पर मरवा दिया था, बहुत से लोगों को उसने तलवार से मार के ख़त्म कर दिया था और जो लोग बचे थे नबूकदनेस्सर उन लोगों को अपने साथ अपने देश में दास के रूप में, गुलाम के रूप में ले गया। और इन लोगों ने उन राजाओं के परिवारों में एक दास के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, उनकी अधीनता में अपना जीवन व्यतीत किया। आसान नहीं था इनके लिए वो जीवन जीना, इनके ऊपर अत्याचार होता था, ये दुख सहते थे, प्रतिदिन इनको वो काम करने पड़ते थे जो परमेश्वर ने इनको करने के लिए मना किया था। तो उस 70 साल की बंधुआई के बाद जब वे लौटते हैं, नहेमिया उन लोगों के बारे में पूछता है कि वो लोग कैसे हैं। नहेमिया ने जब ये सुना कि मेरे जो जो भाई हैं, जो बंधुआई से लौटे हैं, वो दुख में हैं, वो कष्ट में हैं, तो ऐसा यहाँ पे लिखा है कि मैं बैठ के रोने लगा और विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करने लगा। इन बातों को सुनने के बाद जो नहेमिया का हृदय है वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन क्या नहेमिया ने उन लोगों को देखा है? क्या उनकी परिस्थिति को नहेमिया देख रहा है? उनकी परिस्थिति को देख नहीं रहा है, उसने सिर्फ उनके बारे में सुना है। नहेमिया तो बंधुआई में नहीं था, नहेमिया तो एक अच्छी जगह पर काम करने वाला एक व्यक्ति था, एक बड़ा अधिकारी था, उसके व्यक्तिगत जीवन में तो कोई दुख नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों नहेमिया का हृदय उन लोगों की परिस्थिति को देख सुनकर, उनके बारे में सुनकर क्यों नहेमिया का हृदय पसीजता है, क्यों वो उसके दिल में ये दुख आता है, कैसे वो इन लोगों के लिए विलाप करता है, परमेश्वर के सामने बैठकर वो रोने लगता है, उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के सामने करता है, ये चीज कैसे उसके जीवन में आई। मैं आपको कह रहा था ना कि मुझे समझ में नहीं आता था किस लिए लोग अपने घर परिवार, अपने देश को छोड़कर आ जाते थे, जिनको वो जानते नहीं, जिनको उन्होंने देखा नहीं। नहेमिया भी उन ऐसे लोगों के लिए रो रहा है, उसने देखा नहीं है, उनकी परिस्थिति उसकी आंखों के सामने नहीं है, उनकी परिस्थिति सिर्फ नहेमिया के कानों तक पहुंची है।
कैसे वो एक संपन्न व्यक्ति, एक अच्छी जगह पर रहने वाला व्यक्ति, जिसको जिसके जीवन में कोई कमी नहीं है, वो कैसे इन लोगों के लिए टूट सकता है? ऐसे लोग जो ऐसे हाई पद पर होते हैं कभी किसी के बारे में सोचते नहीं है। लेकिन जो नहेमिया जो है, जब उसने सुना वो क्या करा, वो रोने लगा। ये नम्रता, ये दीनता कहाँ से आई उसके अंदर? ये नम्रता दीनता उसके जीवन में इसलिए आई क्योंकि नहेमिया जो था वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। नहेमिया कैसा व्यक्ति था? नहेमिया परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर के प्रेम ने उसे उनके दुख को समझने के लिए प्रेरित किया। तभी वो उनके लिए रोता है, तभी वो उनके लिए विलाप करता, तभी वो उनके लिए प्रार्थना करता है। अगर हम परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित नहीं हैं तो हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। उसने उन्हें देखा नहीं, लेकिन उसके उन लोगों के लिए नहेमिया के जीवन में, नहेमिया के हृदय में प्रेम है क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता, उसने परमेश्वर के प्रेम से प्रेरणा पाई है। हालेलुया। क्या हमारे अंदर लोगों के प्रति ऐसा प्रेम है? क्या हम लोगों की परिस्थिति को देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे चारों ओर भी ऐसे ही लोग रह रहे हैं जिनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है। उनकी परिस्थिति उनके संपन्नता के आधार पर अगर हम देखें तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन उनकी परिस्थिति अगर आत्मिक रीति से देखें तो उनके हिस्से में नरक के सिवा कुछ और नहीं है। क्या हमारी आँखें पर उनकी आत्मिक परिस्थिति को देखने के लिए खुली है? क्या हम देख पा रहे हैं उनकी परिस्थितियों को? हमारे अंदर क्या ऐसा प्रेम है कि उनकी परिस्थिति को देखकर हम उनके लिए परमेश्वर के सामने विलाप कर सकें? जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम लोगों से प्रेम नहीं कर पाएंगे, लोगों की जरूरत को पहचान नहीं पाएंगे। नहेमिया ने उनकी ज़रूरत को पहचान लिया, नहेमिया ने उनकी परिस्थिति को जान लिया क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम था, क्योंकि नहेमिया परमेश्वर से प्रेम करता था, इसीलिए उसने उन लोगों के प्रति अपनी इस प्रेम को उसने प्रकट किया, अपने आप को उनके लिए वो प्रार्थना में लेके गया। जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम लोगों से प्रेम नहीं कर सकते। मैंने जो आंसर पाया उन लोगों के बारे में जिनके बारे में सोचता था, वो यही था कि वो लोग अपने घर, अपने परिवार, अपने जगह को छोड़कर दूसरे संदर्भ के लोगों के बीच में चले जाते थे क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। जब वो परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर ने दूसरों को प्रेम करने के लिए प्रेरणा उनको दी। हालेलुया। लोगों की जो ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो सुसमाचार है। हमारे चारों ओर रह रहे लोगों की आत्मिक दशा जो है सुसमाचार से सुधारी जा सकती है। उनकी संपन्नता, उनके जीवन, उनके अंतिम समय में काम नहीं आने वाली। सुसमाचार जो है उनके जीवनों में अगर पहुँचेगा, परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में पहुँचेगा, जब परमेश्वर को जान पाएंगे तभी उनकी जो आत्मिक परिस्थिति है सुधर पाएगी। हमारे चारों ओर हम ऐसे लोगों को पाते हैं जो आत्माएं खतरे में हैं, जो बिना प्रभु यीशु मसीह के नरक जा रही हैं क्योंकि वो सत्य को नहीं जानती। कैसे हम उन लोगों से प्रेम कर सकते हैं? एक बात यहाँ पे क्लियर होती है, हमें परमेश्वर से प्रेम करने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब हम लोगों से प्रेम करेंगे। जब हम लोगों से प्रेम करेंगे तब हम उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता पाएंगे। तब हम उस बोझ को अपने हृदय में हम महसूस करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे दूसरों के लिए हमारे अंदर डाला है। यूहन्ना 14 का 6 वचन अगर हम पढ़ें, लिखा है यीशु ने उससे कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। लोगों की जरूरत क्या है? क्या है? सुसमाचार है। सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया और उसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं वो हमें उद्धार देता है, वो हमें अनंत जीवन देता है। लोगों की सोच क्या है? अनंत मतलब खुशी, आनंद किस में है?
पैसे में, दुनियावी चीजों में, लेकिन हमें उनको बताना है दुनियावी चीजों में, पैसे में आनंद नहीं है, आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के वचन में है, यीशु मसीह में है। जब तक यीशु मसीह उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक उनकी परिस्थिति दुनियावी है और उनको नरक की ओर ले जा रही है। जो हमारे चारों ओर जो लोग रह रहे हैं उन्हें ऐसे प्रेम की ज़रूरत है जैसा प्रेम नहेमिया प्रदर्शित कर रहा है। हमें लोगों के प्रति ऐसे प्रेम करने की ज़रूरत है, हमें जैसे नहेमिया ने उनकी परिस्थिति को सुना और उस वक्त बैठकर वो रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं। मेरे भाई जो हैं, मेरे लोग जो हैं, मेरे पूर्वजों के लोग जो हैं, वो दुख में है, वो कष्ट में है। हमारे चारों ओर के लोग भी ऐसे ही परिस्थितियों में हैं, उनकी परिस्थिति भी ऐसे ही, वो दुख में है, वो कष्ट में है। और जब तक वो उस कष्ट से, उस दुख से और उस श्राप से, उन पापों से आज़ाद नहीं पा पाएंगे, जब तक हम नहेमिया की तरह अपने प्रेम को उनके सामने, उनके लिए प्रदर्शित नहीं करेंगे, यानी कि जब तक हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम उन तक नहीं पहुँचेंगे, जब तक हम उन नहेमिया के जैसे उपवास नहीं करेंगे। सुसमाचार लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है, हालेलुया। और जब ये सुसमाचार सबसे, लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इस बात को भी हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे। हमारे चारों ओर रह रहे लोगों की ज़रूरत की पूर्ति हम जब तक पूरी नहीं कर पाएंगे जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के प्रेम से मिलती है। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में नहीं है तो हम उनको उनकी अगुवाई नहीं कर सकते, उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता नहीं सकते, उनकी कमी को हम महसूस नहीं कर सकते। हम दूसरों के बारे में कब सोचते हैं? जब हम अपने स्वार्थ से आज़ादी पा लेते हैं। और स्वार्थ से आज़ादी पाने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत, अपने जीवन में उसे बुलाने की ज़रूरत है। जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया तो जक्कई ने क्या किया? परमेश्वर, जिनको मैंने लूटा है, जिनसे मैंने अधिक धन लिया है, मैं अपना आधा धन उनको दे दूंगा और जिनसे मैंने अधिक लिया है उनसे चौगुना मैं उनका लौटा दूंगा। प्रभु ने क्या किया? आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया। जब परमेश्वर उसके घर में, उसके जीवन में आया, उसके अंदर का स्वार्थ निकल गया और उसने दूसरों के बारे में सोचा कि जो मैंने उनके साथ किया वो सही नहीं था, मुझे उनको उनकी चीज़ें वापस लौटा देनी चाहिए। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आ जाता, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं रखते, तब तक हम अपने स्वार्थ को अपने अंदर से निकाल नहीं पाते। और जब तक स्वार्थ हमारे अंदर है तब तक सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे, तब तक हम सिर्फ स्वार्थी हैं। हम अपने आनंद, अपने जीवन, अपने परिवार, अपना घर, अपनी लाइफ, अपनी नौकरी, सिर्फ हम इतना सोचेंगे। सुसमाचार हमारे लिए बहुत दूर की बात होगी। परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारे लिए बहुत दूर की बात होगी जब तक हमारे अंदर ये स्वार्थ है। यूहन्ना 14:15 मैं ऐसा लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब हम उससे प्रेम करेंगे तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हालेलुया। तो नहेमिया ने जब उनकी आत्मी उनकी परिस्थिति के बारे में जाना तो हम पढ़ते हैं एक में कि उसने क्या किया, वो बैठ कर रोने लगा और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना हम एक बार पढ़ते हैं। ऐसा है कि इन बातों के सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कई दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करता रहा। और मैंने कहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा पालन करने वालों के लिए अपनी वाचा पूरी करता है, उन पर करुणा करता है, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तेरे कान अब ध्यान और तेरी आंखें खुली रहे कि मैं तेरा दास जो प्रार्थना इस समय तेरे सम्मुख तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन और रात करता हूँ, इसे तू सुन ले।
मैं इसराइलियों के उन पापों को, पापों का जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, अंगीकार करता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे विरुद्ध बहुत ही अधर्म का व्यवहार किया है, उन आज्ञाओं, विधियों और नियमों का पालन नहीं किया जिनकी आज्ञा तूने अपने दास मूसा को दी थी। उस वचन को स्मरण कर जिसकी आज्ञा तूने अपने दास मूसा को दी थी। यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो मैं तुमको इस देश देश के लोगों के तितर बितर कर दूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुमसे तितर बितर किए गए लोगों को आकाश के छोर से भी इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुना है। वे तेरे दास और तेरी प्रजा हैं, वे लोग हैं जिनको तूने अपने महान सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू अपने दास की तथा आप उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं, आनंदित होते हैं, कान लगा और आज अपने इस दास का काम सफल कर और उसके प्रति उस मनुष्य के हृदय में दया उत्पन्न कर। ये प्रार्थना नहेमिया की थी जब उसने अपने लोगों की परिस्थिति के बारे में जब सुना, वो रोने लगा और इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। आप देख रहे हैं उसकी प्रार्थना की गहराई क्या है, उसकी प्रार्थना में जो एक तड़प है वो किस प्रकार की है। इसकी प्रार्थना को जब हम पढ़ते हैं, बहुत सी बातें इसकी प्रार्थना हमें सिखा देती है। क्या हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कभी अपने लोगों के लिए? परमेश्वर, जो मेरे चारों ओर जो लोग रह रहे हैं परमेश्वर, वो पाप के कारण मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता आप दयालु हैं, परमेश्वर चारों ओर रह रहे लोगों के जीवन पे तू तरस खा। क्या हम कभी ऐसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन लोगों के पापों को क्षमा कर? कभी क्या कभी हम और जो हमारे चारों ओर रहते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, क्या हम उन लोगों के लिए ऐसे कभी मध्यस्थता करते हैं? 2:1-4 में अगर पढ़ें तो जब राजा के सामने नहेमिया जाता है तो उसकी मुंह की उदासी को देखकर बोलता है, क्यों क्यों उदास है? तो इसने राजा को ये जवाब देता है कि राजा, जब वह नगर जिसमें मेरे पूर्वजों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और मेरे उसके नगर द्वार आग से जला दिए गए हैं, तो मेरा मुँह क्यों न उतरे? उसको बताता परमेश्वर, जब मेरे लोग, मेरा नगर, मेरा देश, परमेश्वर मेरे देश की परिस्थिति ऐसी है, परमेश्वर मैं राजा मैं कैसे मैं खुश रह सकता हूँ? मुझे मेरे देश की चिंता है, मुझे दुख है कि वो उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है। राजा के सामने के मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? जब हमारे चारों के लोगों की परिस्थिति को हम देखते हैं, हम सुसमाचार को हमने सिर्फ अपने तक सीमित रख लिया है। जब हम दूसरों को देखते हैं, जब अपने चारों ओर के लोगों को देखते हैं, हमें ये महसूस नहीं होता कि जो आनंद मेरे पास है, जो सुसमाचार मैंने सुना है, जो आज़ादी मैंने पाई है, जो अनंत जीवन मैंने पाया है, उस पे वही अनंत जीवन, वही आनंद मेरे सामने वाले व्यक्ति जो मेरे चारों ओर रह रहे हैं उन व्यक्ति के लिए भी वो उतना ही ज़रूरी है। हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं, बस मैंने जान लिया काफ़ी है। लेकिन हमें नहेमिया से सीखना चाहिए कि जब नहेमिया कह रहा है, जब मेरे लोग जब दुख में हैं, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए। जब हमारे अंदर, हमने जो उद्धार पा लिया, हमें ये हमारे लिए आनंद की बात है, लेकिन हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि परमेश्वर, जो आनंद तूने मुझे दिया है, जो सामर्थ्य, जो शांति तूने मेरे जीवन में भरी है, परमेश्वर मेरे आसपास के लोगों के जीवनों में तू भर दे। क्या हम कभी कोशिश भी करते हैं कि किसी के पास जाकर हम सुसमाचार भी सुनाएं? हमारे लिए रोना और इस तरह की प्रार्थना करना तो बहुत दूर की बात है। क्या हमने कभी किसी के पास जाकर बोला है कि आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? नहेमिया के एक अंदर एक तड़प थी कि कब वो अपने लोगों के बीच में जाए और उनकी सुधि ले। उस नहेमिया अपने लोगों के बारे में जानता है, तो नहेमिया उनके लिए क्या करता है? नहेमिया एक कदम उठाता है, वो अपने राजा से अनुमति लेता है कि राजा, मुझे वहाँ पे जाना है, तो मुझे वहाँ पे जाने दे, क्योंकि मुझे अपने लोगों के बीच में जाना है, मुझे अपने लोगों के बीच में काम करना है, मुझे अपने लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर के वचन को देना है, उनकी सुधि लेनी है, उनकी मदद करनी है, उनकी सहायता करनी है। उसने राजा से अनुमति मांगी।
राजा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली क्योंकि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पे थी। उसने प्रार्थना की कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ, और जब प्रार्थना करके वो राजा के सामने जाता, राजा को बोलता है, राजा मुझे मेरे लोगों के बीच में जाना है, मुझे उनके बीच में काम करना है। वचन में लिखा है कि राजा ने उसे क्या 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 किया, उसको जाने के लिए अनुमति दे दी, स्वीकृति दे दी, और वो अपने लोगों के बीच में जाने के लिए निकल लेता है। 2:17-20 हम जल्दी से पढ़ेंगे। जब मैंने उनसे कहा, तुम तो देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में पड़े हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं, आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाएं कि हमारी और अधिक निंदा न हो। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रही, और यह भी कि राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम बनाने लगे। इस प्रकार उन्होंने इस अच्छे कार्य में हाथ लगाया। परंतु जब हेरोनी संबलत तोबिया नामक अमोनी कर्मचारी और गेसेम नामक अरबी ने यह सुना, तो वो ठट्ठों में उड़ाने और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, तुम यह क्या कर रहे हो, क्या तुम परमेश्वर से विद्रोह करोगे? तब मैंने उनको उत्तर दिया, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा कार्य सफल करेगा, इसलिए हम जो उसके दास हैं निर्माण कार्य में जुट जाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग और न कोई अधिकार, न ही स्मारक होगा। हालेलुया। तो वहाँ से राजा से अनुमति लेके जब उसने अपने लोगों की परिस्थिति को सुना, शुरुआत से हम देखते हैं उसने सुना, और लोगों के बारे में सुनकर वो परमेश्वर के सामने रोता है, परमेश्वर के सामने विलाप करता है, उपवास प्रार्थना करता है, फिर वो राजा के सामने कहता, राजा मुझे अपने लोगों के बीच में जाना है। और जब उसे अनुमति मिली तब अपने लोगों के बीच में जाके उसने काम करना शुरू किया। हालेलुया। और जब उसने काम करना शुरू किया तब ऐसे भी लोग आए कि लोगों ने आके उसका मजाक उड़ाया। लेकिन जब लोगों ने आके उसका मजाक उड़ाया तो नहेमिया की एक जवाब उसने दिया कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे कार्य को सफल करेगा। हालेलुया। उन लोगों की परिस्थिति एक ऐसे व्यक्ति को जो महल में रहने वाला था, जो एक संपन्न व्यक्ति था, जो एक खुशहाल व्यक्ति था, परमेश्वर के प्रेम ने उसे इतना प्रेरित किया कि वो आज अपने लोगों के बीच में उनकी आत्मिक दशा को सुधारने के लिए एक उजाड़ देश में आ गया। हालेलुया। कहाँ पर आ गया? एक राजमहल से एक व्यक्ति जब उसने अपने लोगों के बारे में सुना तब वो कहाँ पर आ गया? एक उजाड़ देश में आ गया। ये है एक सच्चा समर्पण। एक सच्चा समर्पण अगर हम सीखें तो हम नहेमिया से सीखें। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे समर्पण की मांग हमसे करता है कि जो तुम्हारे चारों ओर लोग रह रहे हैं उनके पास जाकर आप परमेश्वर उनके बीच में जाकर तुम मेरा वचन उन्हें बताओ। हमें अगर लोगों की स्थिति में बदलाव देखना है तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाकर काम करना पड़ेगा, उनके बीच में जाकर रहना पड़ेगा, और उनके बीच में जाकर हमें परमेश्वर के वचन को उनको देना पड़ेगा, तभी हम लोगों के जीवनों में बदलाव देख पाएंगे। और ये काम करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है समर्पण, जो नहेमिया के जीवन में हम देखते हैं। उसने अपने ऐसो आराम का त्याग कर दिया, उसने अपने अच्छी रहन सहन का त्याग कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि उनके बीच में जाकर वो काम करे, उनके बीच में जाकर वो उनकी सेवा करे। मत्ती 28:19-20 में हम परमेश्वर की आज्ञा को, महान आज्ञा को पाते हैं। लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। हमें उन लोगों तक पहुँचना पड़ेगा, और पहुँचने के लिए हमें समर्पण की ज़रूरत है। क्या हमारे जीवनों में ऐसा समर्पण है? हमें अपने आप के जीवन में देखना है। ये वचन जो हमने पढ़ा, ये हमें कहता है कि तुम जाओ। हमें लोगों तक पहुंचना है तो हमें निकलना पड़ेगा, हमें कदम उठाना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को आज तक नहीं जान पाए हैं। वचन हमें जाति जाति के लोगों तक पहुंचने की आज्ञा देता है।
हालेलुया। जब नहेमिया अपने लोगों के बीच में पहुंचता है, उनके बीच में उनकी मदद करने के लिए, उनकी परिस्थिति को सुधारने के लिए, जब नहेमिया वहां पे पहुंचा तो क्या हुआ? अध्याय 3 में हम आ जाएंगे, जल्दी ख़त्म करेंगे। अध्याय 3 में अगर हम देखें, आप इसे हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, पूरा वचन है, पूरा अध्याय में हम एक ही बात पाते हैं कि जब नहेमिया उनके बीच में गया तब बहुत से लोग उसके साथ में आके खड़े हुए उसकी मदद करने के लिए, अलग अलग तरह से लोग काम करने लगे। और नहेमिया जो एक अकेला जो बुलाहट को पाकर उनके बीच में आया था, नहेमिया की बाद में बहुत सी मदद करने वाले लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। नहेमिया वहाँ पर गया, परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पाकर जब लोगों के बीच में सेवा करने के लिए गया, तब परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला, बहुत से लोग उसके साथ में उसकी सहायता के लिए आ खड़े हुए। और ऐसा लिखा है कि 52 दिन के बाद जो जिस कार्य के लिए वो वहाँ पर गया था वो काम पूरा हो गया। हालेलुया। नहेमिया की प्रार्थना और आंसुओं का ये परिणाम हम देखते हैं, परमेश्वर ने नहेमिया की मदद की, उसके सारे कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी। जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार समर्पण के साथ चलना शुरू करते हैं, तब हमारे कार्य पर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है और हमें सफल करता है। हालेलुया। हमें ऐसे कार्य को, सुसमाचार के कार्य को करने के लिए हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, हमें उसके प्रति समर्पण की ज़रूरत है। और जब हम समर्पण में होके चलते हैं, उसकी अगुवाई में हम जब चलते हैं, जहाँ पर भी हम जाएं, परमेश्वर हमारे काम पर, हमारी प्रार्थनाओं पर अपने हमें सफलता देता है। लेकिन हमें देखना है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित हैं? क्या हम उपलब्ध हैं उसकी योजना में चलने के लिए? हालेलुया। हमें देखना, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को दूसरों तक, अन्य जातियों तक हम लेकर जाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम सबका जीवन उसके लिए इस्तेमाल, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन क्या हम उसके कार्य के लिए समर्पित हैं? क्या हम उसकी योजना में चलने के लिए हम उपलब्ध हैं? उपलब्धता का एक उदाहरण हम देखें तो परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम अपने घर, अपने परिवार, अपने देश को छोड़कर उस जगह पे चला जा जहाँ पर मैं तुझे भेजता हूँ। परमेश्वर ने उसको ये भी नहीं बताया कि तुझे कहाँ जाना है, उसे कोई लोकेशन नहीं दी, उसे GPS नहीं दिया कि ये ऑन कर लेना, पहुँच जाना, उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन परमेश्वर की उस बुलाहट को इब्राहिम ने स्वीकार कर लिया, कोई सवाल नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है इब्राहिम और परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर के लिए वो उपलब्ध था। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की इस उबलाहट को पाकर वो अपने घराने समेत, अपने देश, अपने घर, अपनी जगह को छोड़कर वो निकल पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना के अनुसार काम करने के लिए उपलब्ध था। क्या हम उसकी योजना के अनुसार काम करने के लिए उपलब्ध हैं? हम सबके जीवनों से परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है। हमें हमारे चारों ओर अगर हम देखें तो हमारे चारों ओर ऐसी बेतुकी चीज़ें धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर होती हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है। लोगों को शैतान इस रीति से घेर रखा है कि वो बेचारे उस परिस्थिति से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। लोगों को गाइडेंस चाहिए, लोगों को प्रार्थना चाहिए, लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो उनके बीच में जाकर उन्हें बताए कि आज़ादी इसमें नहीं है जिसके अनुसार आप चल रहे हो, आज़ादी यीशु मसीह में है। क्या कभी ऐसी जगहों को देखकर आपके अंदर आग लगती है? जब पौलुस एथेंस में जाता है, एथेंस में जब उसने देखा कि वो पूरा नगर मूर्तियों से भरा हुआ था, लिखा है पौलुस हम अपनी अंतर आत्मा में जल उठा, उसे वो दर्द फील हुआ कि परमेश्वर तेरे लोग कितनी बुरी तरीके से शैतान के हाथ में है। क्या कभी ऐसी जलन हमने फील की है, महसूस की है? ऐसा दर्द नहेमिया ने अपने जीवन में महसूस किया, इसलिए परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार वो वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर उसकी ज़रूरत थी। और जहाँ पर उसकी ज़रूरत थी, जब नहेमिया वहाँ पर पहुँच जाता, परमेश्वर अपना काम को करता है। नहेमिया ने
परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलना शुरू किया। काम तो परमेश्वर ने किया। जब हम उसकी बुलाहट के अनुसार चलते हैं तो हमारे हाथ में वो सामर्थ्य नहीं है कि उसके काम को करें। परमेश्वर अपना काम अपने आप करता है, लेकिन हमें वो मध्यस्थ, हमें वो पात्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए तेरी योजना क्या है? कभी की है हमने प्रार्थना? परमेश्वर ने जो महान आदेश दिया वो सबके लिए दिया, लेकिन क्या हम उसको फॉलो करते हैं? क्या हमने कभी प्रार्थना की परमेश्वर मैं कहाँ जाऊँ? परमेश्वर ने उसको नहेमिया को बुलाहट दी कि तू यरूशलेम में जाके अपने लोगों की सुधि ले। कभी हमने प्रार्थना की परमेश्वर मेरे जीवन से आप क्या चाहते हैं? मैं कहाँ पे जाऊँ? मुझे कहाँ सेवा करनी है? परमेश्वर आप मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं? क्या हम लोगों की दुर्दशा देख पा रहे हैं? हमारे चारों ओर के लोग जो हैं, क्या हम उनकी दुर्दशा देख रहे हैं? हम दुर्दशा कई बार लोगों की इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, हम अपने जीवन में व्यस्त हैं, इसलिए हम लोगों की दुर्दशा देख नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर हमें इस ओर, इस हमारे मन को इस ओर करता है कि आप देखो, तुम्हारे चारों ओर जो है उनके लिए प्रार्थना करो। अगर हम उनकी दुर्दशा देख पा रहे हैं तो क्या हम उनकी सुधि लेने के लिए कदम उठाते हैं? नहेमिया ने जब अपने लोगों की दुर्दशा देखी, नहेमिया ने उनके जीवन में कार्य करने के लिए कदम उठाया। उसने अपने महल को, अपने नौकरी को, उसने अपने ऐसो आराम को त्याग दिया और वो अपने लोगों के बीच में आ गया। अगर हम उनकी दुर्दशा देख पा रहे हैं, क्या हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर देख, तेरे लोग इस तरह से अंधकार में हैं, प्रभु इनके ऊपर दया कर। अगर आज हम अपने दिल में लोगों की सुधि लेने, लोगों से प्रेम करने और लोगों के लिए प्रार्थना करने का बोझ नहीं पाते तो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ठंडा हो चुका है, ये हमें जान लेने की ज़रूरत है। अगर आज हम अपने दिल में लोगों की सुधि लेने, लोगों से प्रेम करने और लोगों के लिए प्रार्थना करने का बोझ नहीं पाते तो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ठंडा हो चुका है। अगर आप आज अपने हृदय में इस परिस्थिति को देखते हैं, अगर आज अपने आप को आप इस स्तर पर देखते हैं, तो आज हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, क्योंकि अगर हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो गया तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे, हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हम लोगों के दुख को समझ नहीं पाएंगे, हम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हम लोगों के लिए आंसू नहीं बहा पाएंगे। अगर आप अपने आप को आज इस स्तर पर पाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरा प्रेम जो है तेरे प्रति ठंडा हो गया है, क्योंकि मैं तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाता नहीं हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता। अगर हमने अपनी मसीही सेवा और मसीही जीवन से अगर सुसमाचार को निकाल दिया, फिर कुछ नहीं बचा, फिर खाली हैं हम। हमारा समर्पण इसमें नहीं दिखता कि हम हर संडे को आके यहाँ पर बैठ जाते हैं, हम हर संडे 2 घंटे 3-2.5 घंटे यहाँ पर बैठकर हम घर चले जाते हैं। हमारा समर्पण इसमें नहीं दिखता। हमारा समर्पण दिखता है उसमें जब हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जब हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए अपने कानों को खोल कर रखते हैं और जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसके काम को करते हैं, इसमें हमारा मसीही जो जीवन है, असलियत जो है, इसमें प्रकट होती है। इसमें नहीं है कि हम यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएं। तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे।